इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रल ग्राउंडिंग न्यूट्रल ग्राउंडिंग सिस्टम में जो न्यूट्रल टर्मिनल होता है वो ग्राउंड से कनेक्ट रहता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग पावर सिस्टम में एक पॉपुलर ग्राउंडिंग होता है जो कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यहाँ पर थ्री फेज स्टार कनेक्शन को दिखाया गया है जहाँ पर न्यूट्रल टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है एंड तीनों फेज के साथ एक इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्ट है ना सपोज आर फेज में एल जी फोल्ट ऑकर होता है मतलब लाइन टू ग्राउंड फोल्ट ऑकर होता है उस कंडीशन में आर फेज से वेरी हाई करेंट फ्लो करेगी जिसका पाथ कुछ इस तरह होगा जिसके कारण आर फेज के साथ जो फ्यूज कनेक्ट है वो फोल्टी पार्ट को हेल्दी पार्ट से आइसोलेट कर देगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज का यही मेन पर्पस होता है कि जब उससे वेरी हाई करंट फ्लो करेगी तो वो मेल्ट हो जाता है एंड फॉल्टी पार्ट को हेल्दी पार्ट से आइसोलेट कर देता है देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग लाइक सॉलिड ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग रिएक्टेंस ग्राउंडिंग रेजोनेंट ग्राउंडिंग सो दिस डिफरेंट ग्राउंडिंग मेथड्स को समझेंगे सॉलिड ग्राउंडिंग सॉलिड ग्राउंडिंग में न्यूट्रल पार्ट को डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो इस टाइप के ग्राउंडिंग सिस्टम को सॉलिड ग्राउंडिंग बोलते हैं सॉलिड ग्राउंडिंग सिस्टम को इफेक्टिवली ग्राउंडिंग भी बोलते हैं सो वह न्यूट्रल ऑफ जनरेटर पावर ट्रांसफार्मर और ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड थ्रू अ कंडक्टर ऑफ निग्लिजिबल रेजिस्टेंस देन इट इज़ नोन एज सॉलिड ग्राउंडिंग नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग जब थ्री फेज सिस्टम में उसके न्यूट्रल टर्मिनल को रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड करते हैं उसको रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग बोलते हैं रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग फोल्ड करेंट को लिमिट करता है एंड ट्रांजियंट ओवर वोल्टेज से सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है इस टाइप का ग्राउंडिंग सिस्टम आर्किंग ग्राउंडिंग रिस्क डिक्रीज करता है एंड ग्राउंड फोल्ड प्रोटेक्शन परमिट करता है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग में जो रजिस्टर का यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस वैल्यू ना तो वेरी हाई होना चाहिए और ना ही उसका वैल्यू वेरी लो होना चाहिए इफ़ वेरी लो रेजिस्टेंस रहेगा तो सिस्टम को सोलिड ग्राउंडिंग बना देगा एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो सिस्टम को अनग्राउंडेड बना देगा सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चूज एंड सच दैट द ग्राउंड फॉल्ट करेंट इज लिमिटेड जनरली द ग्राउंड फॉल्ट मे बी लिमिटेड अप टू फाइव टू ट्वेंटी परसेंट दैट विच ऑकर विथ अ थ्री फेज सिस्टम नेक्स्ट है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग रिएक्टेंस ग्राउंडिंग सिस्टम में एक रिएक्टेंस को न्यूट्रल एंड ग्राउंड के बीच कनेक्ट करते हैं जो कि फॉल्ट करेंट को लिमिट करता है एंड टू मिनिमाइज ट्रांजेंट ओवर वोल्टेजेस द ग्राउंड फॉल्ट करेंट इन रिएक्टेंस ग्राउंडिंग सिस्टम शुड नॉट बी लेस देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द थ्री फेज फॉल्ट करेंट ड्यूरिंग ट्रांजेंट ओवर वोल्टेज करेंट इसका जो करेंट का वैल्यू है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है रेजोनेंट ग्राउंडिंग सिस्टम रेजोनेंट ग्राउंडिंग को आर्क सप्रेशन कॉइल ग्राउंडिंग भी बोलते हैं इसका यूज न्यूट्रल न्यूट्रल अर्थिंग सर्किट में एज एन आर्क सप्रेशन क्वल करते हैं थ्री फेज सिस्टम का जो न्यूट्रल टर्मिनल रहता है वो ग्राउंडेड रहता है थ्रू एन एडजस्टेबल आयरन कोड दैट इज नोन एज आर्क सप्रेशन क्वाइल द रिएक्टेंस ऑफ द क्वाइल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन एक्सएल इज इक्वल टू Xc बाय थ्री ओम The induction of the coil is given by L is equal to XL by 2 pi F. Since XL is equal to 2 pi FL, L is equal to XC by 3 into 2 pi F. Because XL is equal to XC by 3. So, L is equal to 1 by 3 into 2 pi F square C. Since XC is equal to 1 by 2 pi FC. सो वी आर पुटिंग दिस वैल्यू एट द प्लेस ऑफ एक्ससी इन दिस एक्सप्रेशन एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द कोयल एक्स एल इज़ द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द क्वाइल एक्स सी इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम सी इज़ द लाइन टू द अर्थ कैपेसीटेंस एंड एफ इज़ द फ्रिक्वेंसी जनरली इस टाइप के ग्राउंडिंग सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन में मीडियम वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट होने के लिए डिजाइन किया जाता है द रेजोनेंट ग्राउंडिंग रेड्यूसेज द सप्लाई इंटरप्सन ड्यू टू ट्रांजेंट लाइन टू ग्राउंड फोल्ट एंड चांस ऑफ द डेवलपिंग लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट फॉल्ट आर ऑल्सो रिड्यूज ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग दोनों काफ़ी सिमिलर लगता है पर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ग्राउंडिंग में इक्ुपमेंट का जो करंट कैरिंग पार्ट होता है उसको हम लोग ग्राउंड करते हैं जबकि अर्थिंग में इक्पमेंट का बॉडी जो रहता है उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं ग्राउंडिंग जो रहता वो neutral and ground जो है वो न्यूट्रल एंड ग्राउंड के, के बीच होता है और जो अर्थिंग है वो इक्विपमेंट के बॉडी एंड अर्थ पिट के बीच होता है ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग दोनों का जो सिंबल है वो भी डिफरेंट होता है अगर जीरो पोटेंशियल का बात करें तो ग्राउंडिंग में जीरो पोटेंशियल नहीं होता जबकि अर्थिंग में ज़ीरो पोटेंशियल होता है प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग ग्राउंडिंग सिस्टम का यूज़ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है जबकि अर्थिंग का यूज ह्यूमन को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं ग्राउंडिंग सिस्टम जो है करंट को एक रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करता है और जो अर्थिंग सिस्टम है वो एक्स्ट्रा हाई इलेक्ट्रिक करंट को अर्थ में डिस्चार्ज करता है ग्राउंडिंग बेसिकली थ्री टाइप का होता है सॉलिड ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग एंड रिएक्टेंस ग्राउंडिंग जबकि अर्थिंग बेसिकली फाइव टाइप्स का होता है पाइप अर्थिंग प्लेट अर्थिंग रोड अर्थिंग टैप एंड स्ट्रिप अर्थिंग ग्राउंड जब करते हैं तो वहाँ पे वायर का जो कलर है वो ब्लैक रहता है जबकि अर्थिंग करते टाइम वायर का कलर ग्रीन रहता है तो कलर देखकर भी हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्राउंडिंग सिस्टम है कौन सा अर्थिंग है ग्राउंडिंग का यूज़ अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए किया जाता है एंड अर्थिंग का यूज़ इलेक्ट्रिकल शॉक्स को अवॉइड करने के लिए किया जाता है एग्जाम्पल अगर देखें तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है या जनरेटर होता है उसके न्यूट्रल टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं एंड अर्थिंग सिस्टम में ट्रांसफार्मर का जो इनक्लोजर होता है या फिर जनरेटर और मोटर का वो अर्थ से कनेक्ट रहता है क्योंकि अगर किसी तरह उसके बॉडी में करंट आ जाती है तो वो डायरेक्टली अर्थ हो जाएगी वहाँ पे जो ऑपरेटर है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा So, इस तरह इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिफरेंट पेपर के और भी टॉपिक्स को अगर आप देखना चाहते हैं विजिट ऑन माई चैनल प्ले लिस्ट पेज वेयर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड डिफरेंट टॉपिक्स तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप ईजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें